दोस्तों, गुड इवनिंग. नाइस टॉक टू यू अगेन. और मैं आज आपके साथ एक बातचीत करने वाला हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज द यूक्रेन वॉर. अभी ये वॉर जो है ये तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं चल रही है, एंड मेरे ख्याल में रशियंस अभी जीतने के चांस बहुत कम है एट द मोमेंट. एंड जो कुछ भी मेरे ख्याल होने वाला है वो होगा 4 नवंबर के बाद, जब अमेरिकन इलेक्शन हो जाएगी. आई थिंक टिल दैट टाइम देर गोइंग टू बी नो चेंज इन द सिचुएशन देयर. रशिया इज एडवांसिंग अ लिटिल बिट हियर एंड देयर इन यूक्रेन इन द ईस्टर्न रीजन, पर यूक्रेन ने कुछ एरिया कुछ रीजन ने भी ले लिया है. सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रोलोंगिंग द वॉर. पर ये फैक्ट बात है कि जेलेंस्की जो है ही इज ऑन इज लास्ट लेग्स, एंड अगर अमेरिका उसको हेल्प नहीं करेगा ही इज गोइंग टू बी इन सीरियस प्रॉब्लम. अगर जो बाइडन जीत जाता आगे, उसको नॉमिनेशन मिल जाती तो कंटिन्यूटी होती, एंड देन हो सकता है कि रशियंस को बाद में पीछे हटना पड़ता, बिकॉज अमेरिका के रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. दे कैन फाइट टिल द एंड. पर इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाते हैं तो सिचुएशन डिफरेंट होगी. दैट इज नंबर वन. नंबर टू, इवन अगर कमला हैरिस आ जाती है तो वो कंटिन्यूटी नहीं होगी, एंड शी डजंट हैव मच एक्सपीरियंस, तो हम नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है. सो जेंटलमैन, मुझे सिचुएशन ऐसी लग रही है कि एक स्टेलमेट हो गया है यूक्रेन में. एज ए मिलिट्री हिस्टोरियन आई कैन टेल यू कि रशियन आर्मी ने 2.5 साल युद्ध किया है. दे हैव फॉट फॉर 4 ईयर्स, जंग लड़ी है, बट द नेट रिजल्ट उनका जो है मेरे ख्याल में तो 0 ही है. यू सी, आपने 18 या 20% टेरिटरी ले लिया है, दैट इज इरेलीवेंट एक्चुअली, बिकॉज वर्ल्ड रिकग्नाइज नहीं करता वो एनेक्सेशन जो है, नंबर वन. नंबर टू, ये जो है दैट काउंटर अटैकर्स चलते रहेंगे, एंड देर बी नो पीस एंड स्टेबिलिटी टिल Somebody blinks, you know, and it has to be seen whether who blinks, the American president or Vladimir Putin. Putin एक बहुत स्ट्रांग आदमी है, have lot of admiration for him, पर इस बार शायद उसने अपने कार्ड्स ठीक नहीं खेले. मैंने पहले भी आपको बताया कि जब रशिया ने ये युद्ध शुरू किया था, जंग शुरू की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये लड़ाई को 1 महीने या 2 महीने में ख़त्म कर दें, और इतनी पावर पावर लेके आनी थी, इतनी बम्बार्डमेंट करनी थी यूक्रेन की कि यूक्रेन को तबाह कर देना था, विद दे डिड नॉट डू. एंड ये एक बड़ा वीक पॉइंट था रशियंस का, एंड दे आर गोइंग टू पे द प्राइस फॉर इट. उस वक्त व्लादिमीर पुटिन होता विक्ट्री तो मेरी एश्योर्ड है, मैं इतनी बड़ी आर्मी है इतने टैंक में भेज दूंगा, एंड यूक्रेन जो है वो सरेंडर कर जाएगा. और इनफैक्ट ही मेड एन अपील द यूक्रेनियन आर्मी टू ले डाउन आर्म्स टू अवॉइड ब्लडशेड. भाई, इट इज ईजी टू टॉक, ही वाज, आई डोंट नॉट नो हाउ ही हैड दिस आइडिया कि यूक्रेनियन आर्मी विल ले डाउन आर्म्स, पर्टिकुलरली जब शायद वो जानते थे कि अमेरिका और नेटो यूक्रेन की साइड पे आएंगे. एंड दे केम, एंड नेट रिजल्ट वाज जो रशियन थ्रस्ट थी इनिशियली एट खार्किव और कीव वो 0 हो गई, और रशियन आर्मी को पीछे जाना पड़ा, आप सब जानते हैं. एंड देन दे केम बैक इन द डॉनबेस रीजन वेयर दे आर फाइटिंग, और वहाँ 2 साल से लड़ रहे हैं, पर 18 या 20% टेरिटरी इज ऑल दैट दे हैव बीन एबल टू कैप्चर. और ये मैं आपको पहले भी बताया था कि ये सारी लड़ाई 2 महीने में ख़त्म कर देनी चाहिए थी. आप देखिए, जब इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश में बैटल फाइट की थी, दी एंटायर बांग्लादेश वॉज ऑक्युपाइड विद इन 15 डेज, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट हैपन्ड इन यूक्रेन. और लड़ाई चल रही है, कैजुअलिटीज बहुत साइड में है, रशियन आर्मी इज ऑल्सो सफरिंग कैजुअलिटी, और यूक्रेन के पास तो आदमी भी नहीं अवेलेबल बैटल के लिए. 25% यूक्रेनियन पॉलिसी जो है पॉपुलेशन है वो भाग गई है वहाँ से टू अदर कंट्रीज, दे आर रिफ्यूजीज. तो ये सब आप देखिए, ये कोई अच्छी बात नहीं हो रही है एज फार एज दी यूक्रेनियंस आर कंसर्न. पर उनको एक मसल मिल रहा है, दे आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम अमेरिका, एंड अभी अभी अमेरिका ने बोला कि हम आपको $62 बिलियन की वेपन्स देंगे, पर एक ही फ्लाई है इन द ऑइंटमेंट, एंड दैट इज डोनाल्ड ट्रंप. अगर बाय चांस डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो ही हैज सेड ही विल स्टॉप एड टू जेलेंस्की, एंड
ask for a solution to the Ukraine war. So we have to wait and see, gentlemen, kya hoga us waqt. But is waqt that situation stands, bahut situation kharab hai. And despite Narendra Modi having gone on a visit to Ukraine and also to Moscow, मेरे ख्याल उनका कोई रिजल्ट नहीं है इस मीटिंग्स का, जीरो. और मैं पहले भी आपको बताया कि ये तो अमेरिकन बेहस पे शायद गए थे वहाँ, बिकॉज जो बाइडन वांटेड टू शो कि मैंने कुछ किया है ड्यूरिंग माय टेन्योर एज प्रेसिडेंट, पर वहाँ भी ज़ीरो हो गया काम सारा एंड द लड़ाई अभी तक लगी हुई है. और सिचुएशन है कि अगर रशिया जो है चाइना का हेल्प उसको नहीं मिलती तो द रशियन वुड हैव कोलैप्स बाय नाउ. सो बहुत सारा हेल्प जो रशिया को मिला है वो चाइना से मिला है एंड चाइना इज हेल्पिंग रशिया. और चाइना भी डबल गेम खेल रहा है, आई कैन टेल यू वेरी मच, बिकॉज चाइना जो है जब पावरफुल हो जाएगा, जब वो अपनी एपेक्स पे आ जाएंगे और अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, दे आर गोइंग टू अटैक रशिया. एंड एटलीस्ट जो एरियाज ज़ार ने लिए थे 1880 में from the Chinese, that is the northeast of China up to Vladivostok, बहुत बड़ा एरिया है वो चाहे चाइना का जो कैप्चर कर लिया था, they will ask it back. So I do not know what's going to happen. इस वक्त तो रशियन आर्मी बहुत वीक है in the eastern region and they are hoping that Chinese don't create a problem there. So they are saying that we are big allies, because Russia लिंक्स जो थे उनके वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ खत्म हो गए हैं एंड ऑल द लिंक्स दे हैव गॉट नाउ आर ओनली विद द ईस्टर्न रिंच, दैट इज चाइना एंड ईरान एंड टू एन एक्सटेंट विद इंडिया. इंडिया एज यू नो फ्रेंड से लिंक करते रहते हैं, दे आर नॉट ऑन एनी साइड, नीदर आर दे ऑन द अमेरिकन साइड, नीदर ऑन द रशियन साइड. सो इंडियन पॉलिसी इटसेल्फ डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग एंड हमारी इंटेलिजेंस जो है वो एज इट इज ए बिग फेलियर. जो मैंने देखे हैं रिकॉर्ड, इनको ये नहीं पता चला बांग्लादेश में क्या होने वाला है, दे डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग इन कश्मीर एंड इट्स ए सैड स्टोरी इन द वी. एंड देन इंडियंस आर एक्यूज्ड ऑफ हैविंग किल्ड, मेड एन अटेम्प्ट टू किल पन्नू. आई मीन पन्नू इज अ स्मॉल फिश, आई डोंट सी व्हाई एनीबॉडी वुड लाइक टू किल हिम, पर एक नाम तो लग गया. अगर कोई भी काम करना हो अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाए, देन इट इज रिफ्लेक्शन ऑन द इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ द कंपनी ऑफ द कंट्री. जनरलमैन अभी इंडिया की प्रॉब्लम तो खैर मैं ही डिस्कस कर रहा, मैं रशिया की कर रहा हूँ, बिकॉज द मेन जो प्रॉब्लम है रशियन इकोनॉमी जो है इज थ्राइविंग, नो डाउट वॉर इकोनॉमी है चल रही है, बट बेसिकली पीपल आई डोंट थिंक आर रियली हैप्पी एंड द यंग मैन यू नो हु वुड बी बेटर ऑफ सिटिंग इन डिस्कोज एंड डूइंग वर्क एंड डेटिंग, दे डोंट वांट टू गो एंड कीप फाइटिंग इन यूक्रेन. बहुत सी यंग मैन की कैजुअलिटीज हो गई हैं, रशियन जनरल्स भी कहीं मारे गए हैं, और ये एक ऐसी वॉर चल रही है जिसका कहते हैं वॉर विदाउट एंड. मैं नहीं समझता कोई वॉर ये ख़त्म होगी जल्दी. यूक्रेन का भी बड़ा कंट्री है, सिर्फ 20% टेरिटरी रशियंस ने अभी तक कैप्चर की है एंड 80 अगर लड़ाई जीतनी है तो 80% उनको और एरिया लेना है, और वो मेरे ख्याल में नामुमकिन है, इट्स नॉट पॉसिबल. एक ही तरीका है कि अगर स्फीयर बम्बार्डमेंट करें, और कर ही रहे हैं, वो मिसाइल्स भेज रहे हैं, रॉकेट्स भेज रहे हैं एंड सो मेनी प्लेसेस पावर ग्रिड को स्ट्राइक कर रहे हैं, बट यूक्रेन इज नॉट सीइंग डाई बिकॉज उनके पास पीछे एक सपोर्ट है एंड दैट इज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. द अमेरिकन आर प्लेइंग देयर कार्ड वेरी एड्रॉइटली आई विल से एंड एक बात चीज अमेरिका को याद करनी चाहिए कि जो हिंदू गॉड ऑफ वेल्थ था उसका नाम था कुबेर, और एक टाइम आया जब कुबेर के भी जो कॉफर्स थे ना जहाँ पैसा रखा तो खत्म हो गया था. तो अमेरिका भी की ये हाल हो सकता है, दे कांट जस्ट कीप ऑन फाइटिंग इनडेफिनेटली एंड कीप बैक रूलिंग द यूक्रेन वॉर विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स. ऑलरेडी एक वॉर अमेरिका के लिए चल रही है इन द गाजा स्ट्रिप, ईरान के साथ भी झगड़ा हो सकता है, और सिचुएशन बड़ी ग्रिम है. और मेरे ख्याल जो बाइडन जो है ये इनकम्पिटेंट प्रेजिडेंट रहे हैं, दैट ही हैज़ अलाउड अमेरिका टू बी ड्रैग्ड इन टू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स फॉर नथिंग. एक्चुअली यूक्रेन में तो ही शुड हैव इंश्योर्ड दैट सर्टन एश्योरेंसेज आर गिवन टू द यूएस रशियंस, द सिक्योरिटी एश्योरेंसेज विच दे वॉन्टेड, बट ही रिफ्यूज टू देयर हेल्प एंड उसका नतीजा ये है कि ये वॉर हुई है. ऑल द रशियंस आर सेइंग दैट नेटो विल नॉट एक्सपैंड ईस्टवर्ड्स टू यूक्रेन एंड अदर प्लेसेस
but yet the Americans did it despite the promise by President Bill Clinton to Boris Yeltsin ki ye nahi hoga, we won't expand eastwards to your sphere of influence. But unfortunately Americans ne kiya hai, because unka idea tha to finish Russia once for all. Par ye aise baat hoti hai ki it is, everything is not cut and dried and that you can do immediately jo aap chahte hota hai. Russians were fighting for their own existence, and though they may not have won, but they have tied down NATO and they have tied down American money, and Ukrainians are not winning. Come what may, they have still lost 20% territory, and a small incursion in Kursk is not going to give them any help. I don't think any solution in this war is going to be there till the general election takes place in America, the presidential election. Usmein pata chalega ki agar Donald Trump jeette hain ya Kamala Harris jeetti hai, and then the policy will be decided ki kya karna hai. Till that time it's a status quo. Casualties dono sides se mount ho rahi hain, and of course Russia has the bigger population and they are able to sustain more casualties, while Ukraine ka ye possibility nahi hai. They are already in serious problems, and jaise maine kaha hai, it all depends who is the man who is going to blink first. Will it be Joe Biden or will it be Vladimir Putin? We'll have to wait and see. At the moment the Russians are also desperate. They would like a solution on their terms, but होने वाला नहीं है. यूक्रेन विड वॉन्ट इट्स टेरिटरी बैक, इट वॉन्ट्स क्रीमिया बैक. वो रशियंस कभी नहीं देंगे, इंक्लूडिंग द रीजन विच दे हैव ऑक्यूपाइड इन द ईस्टर्न यूक्रेन, दैट इज द डोनेट्स रीजन. तो देयर डजंट अपीयर टू बी एनी मीटिंग पॉइंट. एंड एक बात याद रखिए, छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं, इट कैन लीड टू वर्ल्ड वॉर. एंड आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी जब एक आर्क ड्यूक को मार दिया था गोली से, एंड वॉर स्टार्टेड. सिमिलरली म्यूनिक की मीटिंग हुई और फिर हिटलर ने डिसरिगार्ड कर दिया और पोलैंड को अटैक कर लिया. सो यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. पर एक बात तो क्लियर है कि द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज रियलाइज दैट इज द नेटो पावर्स इन यूरोप दैट दे डोंट वांट फाइट रशिया, एंड दे वांट टू गेट आउट ऑफ द डैम थिंग स्ट्रेट वे एज पॉसिबल. We'll have to see general what happens, and the only solution I see is that the Americans withdraw from Ukraine and leave it to the mercy of the Russians. That's about the only thing way you can have a semblance of peace in Europe, and the status quo which existed in 92 is restored, and that is, means the old hegemony of the USSR to a degree will have to be restored in Europe, because to have a perpetually enemy like Russia is not in the good interests of Europe or anybody else. Gentlemen, I hope you like this video. Share it with your friends and come back for more. And I will once again state that the war in Ukraine is not yet ending, and though the Russians may have a little upper hand, it's just give and go. And everything will continue as it is till the presidential election takes place on 4th November, and then we'll have to decide what happens, because there'll be a new man who will take over, whether it's Kamala Harris or Donald Trump, we don't know. But whatever happens is going to happen at that time. Goodbye, gentlemen. Take care. God bless.